नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। दोस्तों, राजस्थान सरकार सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने मनरेगा योजना अंतर्गत कार्य कर रहे कार्मिकों के वन टाइम रिलोकेशन को लेकर एक प्रेस नोट रिलीज यहां पर किया है। क्या कुछ है अपडेट, आइए जान लेते हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर विभिन्न जो प्रेस नोट्स हैं वो रिलीज किए गए हैं, जिसमें यहाँ पर मुख्यमंत्री का संवेदनशील निर्णय, महात्मा गांधी नरेगा योजना के 237 संविदा कार्मिकों के वन टाइम रिलोकेशन को यहाँ पर मंजूरी दी गई है। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं पूरी जो न्यूज क्या है जान लेते हैं। आप देख सकते हैं जैसा कि 237 कार्मिकों के वन टाइम रिलोकेशन को यहाँ पर मंजूरी दी गई है। अपन इसको डाउनलोड भी यहाँ पर कर लेते हैं। मुख्यमंत्री का संवेदनशील निर्णय, महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत 237 संविदा कार्मिकों के वन टाइम रिलोकेशन को मंजूरी यहां पर दी गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक संवेदनशील निर्णय लेते हुए महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत वन टाइम रिलोकेशन को मंजूरी दी है। श्री गहलोत ने इस निर्णय से लंबे समय से दूरस्थ जिलों में कार्यरत इन संविदा कार्मिकों का पारिवारिक स्वास्थ्य सहित अन्य समस्याओं के दृष्टिगत उनके गृह अथवा इच्छित जिले में रिलोकेशन संभव हो सकेगा। उल्लेखनीय है कि महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत लंबे समय से कार्यरत संविदा कार्मिकों की बार बार गृह जिले में स्थानांतरण की मांग की जा रही थी। इस संबंध में मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किए थे। इस पर गहलोत ने अल्प वेतन पर नियोजित इन संविदा कार्मिकों के हित में वन टाइम रिलोकेशन का यहाँ पर निर्णय लिया है। इस पर इच्छुक कार्मिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए थे और रिलोकेशन के लिए 3 जिलों के नाम वरीयता से मांगे गए थे। इस आधार पर सहायक कार्यक्रम अधिकारी, कनिष्ठ तकनीकी सहायक, लेखा सहायक, MIS मैनेजर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, समन्वयक, रोजगार सहायक एवं सहायक आदि के कुल 700 आवेदन प्राप्त हुए। इन आवेदनों की छटनी पर महिला आवेदकों को प्राथमिकता देते हुए रिलोकेशन के योग्य 237 आवेदकों की सूची तैयार की है और शेष आवेदन पत्रों की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। तो दोस्तों, 237 जो संविदा कर्मचारी हैं नरेगा योजना अंतर्गत, उनको यहां पर रिलोकेशन की मंजूरी यहां पर दी है। तो दोस्तों, बड़ी अपडेट आ रही है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।